हेलो गाइस, आज बनाने वाले हैं अंडा मैगी पिज़्ज़ा। एक ही चीज़ में तीनों चीज़ों का फ्लेवर, मैगी भी, अंडा भी, पिज़्ज़ा भी। ये बनाना बहुत आसान है, अपने बच्चों को बना के दें, बच्चों की फेवरेट है ये, खाने में बहुत अच्छी लगती है। बनाना शुरू करती हूँ। मैं हूँ शीरी, शीरी किचन में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैगी पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई ले ली, इसमें डाल देते हैं पानी, इसमें थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, गर्म होने देते हैं पानी को। पानी गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं मैगी, मैगी को उबाल लेते हैं। इसे ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे, एक मिनट तक इसे उबाल लेते हैं। अच्छा सा एक उबाल आने तक गैस को करते हैं ऑफ। मैगी हमारी उबल गई, इसे एक जाली में रख कर छान लेते हैं। जाली से मैंने मैगी को छान लिया है, ये ठंडी हो गई। इसे एक डोंगे में निकाल लेते हैं। इसमें डालते हैं अंडे, दो अंडे डाल देते हैं। इसमें डालते हैं मैगी मसाला, मैगी मसाले का पैकेट डाल देते हैं। हरा धनिया डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, कुटी मिर्च डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अंडा मैगी हमारा मिक्स हो गया, इसे साइड से रखते हैं। मैंने पैन ले लिया है, पैन पर थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। पूरे पैन पर थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, आधा चम्मच के करीब। अब इससे पूरे पैन पर ऑयल लगा देते हैं। इसमें मैगी और अंडे का बैटर जो था वो डाल देते हैं, फैला देते हैं चम्मच से। इसी तरीके से बनाएं, एक एक टिप्स फॉलो करें, ऐसी पिज़्ज़ा और मैगी बनेगी आपकी। इस पर डाल देते हैं चीज़, अच्छी तरीके से चीज़ को फैला देते हैं। मैंने चीज़ डाल दी, इस पर डाल देते हैं मटर। आपके फ्रिज में जो सब्ज़ी हुए सब डाल दें, बहुत अच्छी लगती है। टमाटर, मटर, टमाटर, इस तरीके से मैंने एक टमाटर काट लिया था बीज निकाल कर, इसी तरीके से सब में फैला कर लगा देते हैं। अब प्याज लगा देते हैं। ये चीज़ें तो अपने किचन में होती हैं, बच्चों को इसी तरीके से बना कर दें। फिर से हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा काला नमक, कुटी मिर्च डाल देते हैं, छिड़क देते हैं थोड़ा ओरिगैनो, छिड़क देते हैं। इससे टेस्ट बढ़ जाता है पिज़्ज़े का, मैगी पिज़्ज़े का टेस्ट बढ़ जाता है ओरिगैनो से। सब चीज़ मैंने डाल दी, ऊपर से फिर थोड़ी चीज़ लगा देते हैं। मैगी, अंडा, इसका टेस्ट भी अच्छा आता, फिर चीज़ डाल दी हमने तो और टेस्ट बढ़ जाता है। 5 मिनट तक गैस को मीडियम लो करते हैं और पैन को रख देते हैं, 5 मिनट बाद खोलते हैं। 5 मिनट हो गए, मैगी पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। वाह, कितना बढ़िया बना है, ऐसा कुरकुरी आवाज़ आ रही नीचे से, बिल्कुल बनकर हमारा तैयार है। इसे निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया बना है, देखने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा। आपके बच्चे बनाएंगे, खुश हो जाएंगे। बच्चों से जब भी पूछो क्या खाना है, मैगी खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, अंडा खाएंगे, फ्रिज में रखोगे नहीं, छोड़ दें। इसी तरीके से एक ही फ्लेवर में तीनों चीज़ें मैंने बना दी हैं, अपने बच्चों को बना के खिलाएं। इस तरीके देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये खाने में भी बहुत बढ़िया है। ये मैंने थोड़ा खाया था, बहुत बढ़िया टेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।